नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। बहुत समय से आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि धर्मा ट्रस्ट द्वारा जो है यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी समय हो गए इन्हें यहां प्रदर्शन करते हुए और अब जो है इनकी हंगर स्ट्राइक चल रही है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर इनका जो बैनर लगा हुआ है वहां पर दिखा दूं कि धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज जो है यहां पर एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं 28 तारीख से। और जिनकी डिमांड्स है, कुछ पर्टिकुलर 3-4 डिमांड्स हैं। काफ़ी समय हो गया है इनको यहाँ पर बैठे हुए मजदूर संगठन के साथ जो है, उन लोगों के साथ काफ़ी समय इन लोगों ने इस एसोसिएशन में दिया है, काफ़ी मेहनत की है। लेकिन इनकी कुछ शिकायतें हैं सरकार से, वो शिकायतें क्या हैं मैं इनसे बातचीत करती हूँ और मैं जानती हूँ कि क्या शिकायतें जो है सरकार से है और क्या वजह है जो इतना समय हो गया इस स्ट्राइक पे बैठे हुए इनको। सर, इतना समय हो गया है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हंगर स्ट्राइक भी की गई, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके कानों तक जून तक नहीं रेंग रही है कि यहाँ पर लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसा है मैम कि आज हमें 39 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए और आज 11वां दिन है हंगर स्ट्राइक करते हुए, लेकिन आज तक हमारी जो आवाज़ है वो ना मैनेजमेंट के पास पहुंच रही है ना गवर्नर साहब के पास पहुंच रही है। इसका कारण यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ राजनीतिज्ञ पार्टियां हैं उनका जो दबाव है वो एलजी साहब के ऊपर है, जिसके कारण ये हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम कोई अपनी पर्सनल हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड है कि मंदिरों को बचाने के लिए धर्मार्थ के अंदर जितने भी अधीन मंदिर आते हैं इनका श्राइन बोर्ड के साथ गठित होना बड़ा अनिवार्य है। अगर ये मंदिर ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये मंदिर गिर जाएंगे और लोग पूछेंगे कि जम्मू जो मंदिरों के नाम से जाना और पहचाना जाता है, टेंपल ऑफ सिटी जिसे लोग कहते हैं, मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रेमी हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मित्रों जागो और अपनी आवाज़ उड़ाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और इन मंदिरों को बचाओ, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे कि हमारे मंदिर कहाँ थे। आज मंदिरों की जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गई है। जो मंदिरों के साथ पुजारी कर्मचारी इत्यादि जितने भी मुलाजिम हैं वे आज इतने विवश हो चुके हैं, उनको घर में खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। बच्चे हमारे बंदूक नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। एलजी महोदय जी, मैं आपसे आज फिर मीडिया तंत्र के माध्यम से ये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम लोग सनातन धर्म के प्रेमी हैं और सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारी यही आवाज़ है कि इस मंदिर को श्राइन बोर्ड के साथ गठित किया जाए। ये जनहित का कल्याण है, मानव हित का कल्याण है, उद्योग हित का कल्याण है और इसमें ही हमारे जम्मू जो टेम्पल ऑफ सिटी से जाना जाता है आन वान और शान के साथ ये जाना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। और आगे जितने भी हमारे संगठन हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वो धीमे धीमे आ रहे हैं। हमारा भी जो मनोबल है ये मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ, हमारा मनोबल नहीं गिर रहा है, हम डटे हैं और डटे रहेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, माँ वैष्णो देवी के साथ श्राइन बोर्ड को गठित करा के, माँ वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है वो धर्मार्थ के जितने भी मंदिर हैं उनको श्राइन बोर्ड के साथ गठित करवा के ही रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। भारत माता की। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी कि आपने गवर्नर हाउस का भी घेराव किया है काफ़ी बार। कुछ समय पहले जो है गवर्नर जी एक उफानी दौरे पे थे, हर जगह जाकर जो है दौरा कर रहे थे कि लोगों को क्या परेशानी आ रही है। इतने दिन यहाँ पर आपको भी बैठे हो गए, कोई यहाँ पर पूछने आया? अभी तक कोई भी पूछने नहीं आया। हम लोग गवर्नर हाउस में भी गए थे, उसके बाद गवर्नर साहब ने परमंडल में दौरा किया, परमंडल में भी हम लोग गए थे, उसके बाद हम लोगों को परमंडल में भी नहीं मिलने दिया। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है और हमको लगता है कि जो जम्मू की जितनी भी जनता है वो अभी भी जो राजा महाराजा जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं उनके दबाव में झुकी हुई है, इसलिए हम लोगों की कोई सुनने नहीं आ रहा है।
और इसका उनको खामियाना भुगतना पड़ेगा। हम लोग अभी ये मतलब ऐतवार तक संडे तक ये करेंगे, उसके बाद हम लोग पुतले जलाएंगे, हंगर चढ़ाई के छोड़ करके हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारे लोगों की सुध नहीं ली गई तो ये बहुत आगे जाकर के बात बनेगी। कुछ पंडित जी हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगी। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन मंदिरों के साथ जब छेड़खानियाँ होती हैं किस तरह का महसूस होता है? मंदिर तो जी सबको पता है जी, जो जम्मू है तो जो मंदिरों का शहर है, लेकिन जो मंदिरों की हालत आप देखो ना, तो इसको मैं नहीं मानता फिर मंदिरों का शहर है। ये जो हमारे जो बड़े बड़े नेते हैं झंडे उठा के जाते हैं, हम जम्मू से हैं, मंदिरों का शहर है जम्मू में, ये मंदिरों की हालत इन्होंने रखी हुई है। आज हमें 48 दिन हुए इधर बैठे हुए और 12 दिन हो गए हमें जो स्ट्राइक भूख हड़ताल पर बैठे हुए, किसी ने आज दिन तक हमें कुछ नहीं पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, हम क्या अपने लिए मांग रहे हैं, ये सिर्फ मंदिर बजाने के लिए बोल रहे हैं। हम जम्मू में कौन आएगा, क्या करने आएगा? जम्मू लोग आते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो किस लिए आता है? मंदिर देखने के लिए। और इनके जो मंदिरों की हालत है आप खुद ही देख लो। हम आज जितनी देर तक ये मंदिर जो श्राइन वार्ड के बोर्ड के हवाले नहीं होएगा तब तक हमारी श्राइन ये चलती रहेगी। क्या सुधार चाहते हैं आने वाले दिनों में कि मंदिरों में ये सुधार होना चाहिए? हमें पूरी उम्मीद है तो श्राइन बोर्ड के हवाले होएगा तो मंदिरों का सुधार होएगा, ट्रस्ट के पास रहेगा और 10 साल के बीच ये ख़त्म ही हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जम्मू का निशान मिट जाएगा, मंदिरों का शहर का जो निशान मिट जाएगा। हाँ, श्राइन बोर्ड के हवाले होएगा तो मंदिर तो जैसे माँ वैष्णो देवी हैं इतना बड़े पहाड़ पे पर्वत पे बैठी हैं तो देखो उधर क्या हुआ है, जंगल का मंदिर। रघुनाथ मंदिर में जाओ पानी पीने के लिए नहीं है, परसों मैं उधर गया और जो CRP वाले पूरे दिन बेचारे खड़े होते हैं ड्यूटी में और रात को वो बाल्टियाँ लेके पानी भर रहे हैं अपने लिए, लेकिन पानी नहीं है इनके मंदिरों के लिए, तो इनको क्या करना है? हमारी एक ही मांग है सभी की, इसको श्राइन बोर्ड के हवाले करें। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है वहीं पर पंडित जो है खुद अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इसे श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए, वरना ये जो हमारा इतिहास है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं इनकी डिमांड जो है मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इनकी यही पहली डिमांड है कि वही डिमांड श्राइन बोर्ड फॉर ऑल टेम्पल अंडर धर्मार्थ ट्रस्ट, और उसके बाद जो है ये चाहते हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए, CBI जो है इन्वेस्टिगेशन हो, जितने भी टेम्पल लैंड प्रॉपर्टी है उन सब चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे हैं इस समय, और कुछ समय पहले जैसे आपने देखा ही था कि हमारे गवर्नर साहब जो है उफानी दौरे पर निकले थे, हर जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे कि उन्हें क्या परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि फ़िलहाल अभी तक जो है इनकी बातें नहीं सुनी गई हैं, और आगे आने वाले दिनों में जो है इनकी अगर बातें नहीं सुनी गई तो इनका प्रदर्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़ रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।